इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पीएनबी की वेबसाइट में लॉगिन करिए। मैनेज अकाउंट्स टैब में जाकर ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस दी हुई हैं, इन्हें पढ़कर के इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। ये ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला पेज आ गया है। यहाँ इस पेज पर नीचे की तरफ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आरडी अकाउंट उसी शाखा में खोला जाएगा जहाँ आपका डेबिट खाता है और रात के समय ऑनलाइन आरडी खोलने में कुछ व्यवधान हो सकता है। इस कठिनाई से बचने के लिए बेहतर है आरडी अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस दिन के समय करें। बाकी पॉइंट्स भी आप पढ़ लें। अब हम आरडी अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर जो डिटेल्स चाहिए उन्हें भर देते हैं। सबसे पहले है डिपॉजिट स्कीम। यहाँ क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जनरल आरडी और आरडी फॉर पीएनबी स्टाफ। जनरल आरडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। यदि आप पीएनबी के कर्मचारी हैं तो आरडी फॉर पीएनबी स्टाफ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जनरल आरडी को सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। आप जितना भी अमाउंट हर महीने आरडी अकाउंट में जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दें। अगला ऑप्शन है डिपॉजिट ड्यूरेशन, यानी आप कितनी अवधि के लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट खोलना चाहते हैं। ड्यूरेशन डालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी अवधि पर कितना ब्याज मिलेगा। उसके लिए यहाँ ऊपर व्यू लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर 7 दिन से लेकर 10 वर्ष की अवधि तक के टेनर्स के साथ इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। ये देखने के बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं डिपॉजिट ड्यूरेशन। हम 1.5 साल के लिए खोलना चाह रहे हैं, इसलिए इयर्स में डालेंगे 1 मंथ्स हो गए 6। डेबिट अकाउंट के सामने वाले बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके वो खाता चुन लें जिसे आप आरडी बनाना चाहते हैं। आपके डेबिट अकाउंट में जो नॉमिनी है, यहाँ भी यदि आप उसी व्यक्ति को नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यस सिलेक्टेड रहने दें, अन्यथा नो सिलेक्ट करें। यदि आपको नॉमिनी बदलना है, यानी किसी नए व्यक्ति को नॉमिनेट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी ब्रांच जाना होगा। हम यहाँ पर यस सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। यदि आप चाहते हैं कि हर माह किसी निश्चित तारीख पर वो अमाउंट आपके डेबिट अकाउंट से आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ से यस को सिलेक्ट करें और यहाँ से वो तारीख चुन लें जिस पर आप हर महीने आरडी अकाउंट में वो अमाउंट जमा करना चाहते हैं। अगर आप नो चुनते हैं तो जिस तारीख को आप ये आरडी बना रहे हैं हर महीने इसी तारीख पर पैसे आपके सिलेक्टेड डेबिट अकाउंट से कट जाएंगे। अब सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें। अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये मैसेज आ गया है कि आपकी आरडी ओपन करने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें, आरडी के प्रीमैच्योर क्लोजर के लिए आपको ब्रांच जाना होगा। इस वीडियो में आपने जाना पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैसे खोलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें।